हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 9 बज रहा है और अभी मैं घर से निकल चुका हूं और दोस्तों देखते हैं आज कितना का सेल होता है, क्योंकि ठंडा मौसम है, बारिश का मौसम जैसे लग रहा है, देख सकते हैं। सुबह सुबह धूप ज़्यादा था लेकिन अभी बादल लग गया है, मेघोनी जैसे लग गया है। तो चलते हैं दोस्तों और फर्स्ट मोहनी देखते हैं कब तक होता है। तो अभी 9 बजे से निकले हैं, मिलते हैं फर्स्ट बोने होने के बाद। अभी 9:45 हो रहा है और इसी अभी पिछला वाला टोला, दो टोला घुमा हूँ तो बोनी हुआ है। उधारी था 30 रुपया, तो वही मिला है, तो उधारी से आज बोनी हुआ है। और दोस्तों घाटा बादल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इधर से पेड़ ऐसा दिख नहीं रहा है और बारिश भी आने की संभावना ज़्यादा है। तो अभी काम का आज बारिश आ गया, देख सकते हैं, तो ढक दिया हूँ और यहाँ पर जगह था तो मैं रुका गया। तो वहाँ पर रुका हुआ था ना, तो बारिश में ही 6-7 वो 8 वो कच्छा बिका है, छोटे बच्चे का, जन्मोती बच्चे का, तो 25-30 रुपया कमाए हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा देर हो गया था, आ गया हूँ, जा रहा था दूसरी तरफ घूमने, लेकिन फिर बारिश आ गया तो यहाँ पे दुकान है, देख सकते हैं। तो यहीं पे रुके हुए हैं, यहाँ पे गाय लगा दिए हुए हैं। दोस्तों देख सकते हैं मौसम फ्रेश जैसे है, लेकिन बारिश गुनगुना ही रहा है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा, तो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है ना, फिर निकलेंगे। यहाँ मौसम फ्रेश हो गया, देख सकते हैं, धूप जैसे आ गया है और बारिश पूरी तरह से छूट गया है। तो अभी चलते हैं। दोस्तों अभी एक घंटा आधा घंटा निकला हुआ था, एक घंटा मानिए 12 बज रहा है अभी, और फिर बारिश होने लगा है, देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं जहाँ पे रुका हुआ था ना दुकान के पास, वहीं पे रुकेंगे। 300 का बिक्री हुआ है निकलने के बाद में, चलते हैं वहीं पर रुकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देवी जी का मंदिर बन रहा है यहाँ पे, तो यहीं पे इधर सामने लगा दी हुई गाड़ी और यहीं पे रुके हुए हैं। और दोस्तों मौसम इस तरह का हो गया है कि देख सकते हैं पूरी तरह से भरा हुआ है बादल, आइलर लगुआ मेघ है, कामा काजू बोल सकते हैं। तो रुकते हैं और फ्रेश होगा तो ठीक है, नहीं तो सीधे घर की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों बारिश अभी खूब जोर हो रहा है, देख सकते हैं, और ज़बरदस्त बारिश है, कितना अंधेरा है चारों तरफ, देख सकते हैं। तो अभी ढक दिए हुए हैं और झोला उतार दिए हैं, झोला में पानी आ रहा था तो इधर रख दिए हैं। तो मौसम बना दिया है बारिश का, तो अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पे, और मंदिर है तो यहाँ पे और भी आदमी सब रुके हुए हैं, तो बारिश छूट जाता है उसके बाद। बारिश अभी छूट गया है और अभी मैं निकल चुका हूँ, ये गांव घूमा हूँ, आदमी का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि दोस्तों बारिश जब होता है ना तो सारे गाँव के लोग सब सो जाता है, वो पता ही नहीं चल रहा था कोई आदमी। अभी चलते हैं दोस्तों, पेट्रोल अभी ख़त्म है, पेट्रोल डलाते हैं, पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। टंकी फुल करा लिए, 400 में टंकी फुल हो गया, और दोस्तों अभी 2 बज गया है, तो चलते हैं अभी समय से घूमते हैं, फ्रेश मौसम हो गया है। इस रास्ते से दोस्तों 5-6 दिन बाद जा रहा हूँ, देख सकते हैं पूरी तरह से रोड बन के तैयार हो चुका है, मस्त रोड बना है। दोस्तों अभी टाइम 6 बजने वाला है और 2:15 बजे से लेकर अभी 6 बजे तक मात्र 600 के आसपास तक सेल हुआ है, सेल बहुत आज कम हुआ है, 9 के बराबर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज रूट गड़बड़ा गया था बारिश की वजह से, कल जैसा ही आज हो गया, कल तो रूट गड़बड़ा गया था फिर भी सेल ठीक ठाक हो गया, लेकिन आज जिधर ना जाने का उधर जा रहा था, 2 बार रूट बनाया हो जाने का लेकिन दोनों बार रूट चेंज कर दिया हूँ बारिश की वजह से, तो आज भी रूट गड़बड़ आ गया, इसकी वजह से आज तो और कम सेल हुआ है। इनकम की बात करें तो दोस्तों पेट्रोल डाला हूँ 400 का, तो वो क्लियर हो गया, 420 रुपया खर्चा हुआ, 24 रुपया, और 450 इनकम तो हो गया, कितना आज पेट्रोल और नाश्ता काट करके मात्र आज 32 रुपया बचा है। आज सेल नहीं हुआ, ऐसे घूमने का मन भी नहीं कर रहा है, ऐसे भी आधा घंटा समय और है, तो चलते रास्ते में बिकेगा से बिकेगा तो डायरेक्ट घर पे चलेंगे। अभी तक 424 रुपया खर्चा काट करके 32 रुपया कमाई हुआ है। चलिए जो भी है ऐसे ठीक है, पेट्रोल डालना भी जरूरी ही है, जरूरी ही था, क्योंकि दोस्तों 400 का पेट्रोल फुल करा लिया हूँ तो 4 दिन चलेगा। तो चलते हैं घर पर दोस्तों, 450 का आज इनकम हुआ है, कितना का सेल हुआ है गिनती नहीं किया है, घर पर चल के गिनती करेंगे। अभी घर पर चलेंगे, उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सोमारी का आज मेला लगा हुआ है, तो चलते हैं, आते हैं घूम करके। और इस साइड में देख सकते हैं झिलुआ उलुआ है,
और इधर भी है बच्चे का खेलने वाला झुलुआ, वो चलते हैं। ये साइड में मेला लगा हुआ है, यहाँ पे बाजार लगता है। और आज सोमवार है तो सोमारी का मेला लगा हुआ है। तो शंकर जी का मंदिर है ना, तो छोट ज़्यादा दुकान नहीं है, फिर भी है दुकान, देख सकते हैं हर प्रकार का एक दो दुकान है। ऐसे भी बसंत बाजार है तो भारी बाजार है, लेकिन आज का दिन नहीं लगता है। और इस साइड में शंकर जी का मंदिर है, इधर शंकर जी का मंदिर है तो जा सकते हैं। दर्शन कर लिया और इस साइड में मंदिर है। और अभी मैं चलता हूँ सीधे गाड़ी के पास में, थोड़ा मेला भी घूम लिए, फेरी करते करते समय थोड़ा सा बचा हुआ था। तो अब चलते हैं सीधे घर पे। अभी इधर देख सकते हैं, यही पे बाजार लगता है बसंत बाजार, उसको चलेंगे। उससे पहले मेला थोड़ा घूम लिए और थोड़ा चाउमीन भी खा लेते हैं भैया, लगाइए दस वाला एक हो गया, खाते हैं फिर चलेंगे। मैं नाश्ता चाउमीन कर लिया और अभी यहाँ पे हमारा गाड़ी लगा हुआ है, तो अब चलते हैं ये घर की तरफ। चलिए दोस्तों, भी आ गया घर, आकर के मुँह धोकर के फ्रेश हो गया हूँ। और दोस्तों अभी आज का हमारा टोटल सेल ये है, इसमें से दोस्तों 500 कुछ रुपया लेकर गया हुआ था, 560 रुपया लेकर गया हुआ था। तो पहले गिनती करते हैं टोटल आज कितना का सेल हुआ है। इनकम तो हुआ है 450, इनकम गिनती कर लिया हूँ लेकिन पैसा भी गिनती नहीं किया हूँ। तो ये गिनती करते हैं कितना होता है। तो दोस्तों फाइनली अभी देख सकते हैं पूरा गिनती कर लिया हूँ। और सेल की बात करें दोस्तों 1350 का सेल हुआ है टोटल, 1350 का सेल में 450 का सेल इनकम हुआ, 450 कमाई में लगभग 60 रुपये उधारी, यानी कि 390 रुपया इनकम हुआ है 1350 का सेल में। तो सेल दोस्तों हुआ है ठीक ठाक तो नहीं हुआ है, क्योंकि बारिश भी था और बारिश की वजह से थोड़ा मन भी ढीला हो गया था। इसके वजह से इधर देख सकते हैं माई दिख रहा है उधर से। तो चलिए अभी चलते हैं खाना खाने। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक और न्यू ब्लॉग में कल सुबह, तो इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।